गाइस देखो बारिश का सा मौसम लग रहा है, वो प्लेन राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अपने अपने घरों में सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, मैं उठ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा धो के बिल्कुल रेडी। और ये रहा मेरा बैग, बस मैं क्लास के लिए निकल रही हूँ। अभी बज रहे हैं 9:30, निकलना तो मुझे जल्दी था लेकिन ये लेट कर देता है मुझे लड़का, पता नहीं इतनी देर में क्या करता है नहाते हुए। तो निकलते हैं बस क्लास के लिए। गाइज बन रही है सुबह सुबह लस्सी, जो कि दादू के ब्रेकफास्ट के लिए। दूसरी लाइट को नहीं जला रखी, जलाओ। ये बन गया मेरे दादू का ब्रेकफास्ट, जो कि है लस्सी। ये आ चुकी है मेरे लिए लस्सी, नहीं मेरे लिए नहीं, नीलू के लिए। ले थोड़ी सी पिएगा। मैं तो सुबह ब्रश करते कुछ नहीं खा सकती ना कुछ पी सकती। ये बाबा को डाल के आनी थी। ओ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो गिलास मेरे दादू के लिए था, मतलब और डाल के नहीं थी, नीलू के लिए दूसरा गिलास आता। सुबह सुबह उठते फोन यूट्यूब, जल्दी पी ले, छोड़ के चले जाऊंगी वरना। हम लोग निकल चुके हैं क्लास के लिए नीलू अम्ब्रेला में, मैं दुपट्टे में, क्योंकि फेस कवर करके जाना जरूरी होता है, क्योंकि गर्मी में बहुत टैनिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा। गाइस हम निकल चुके हैं क्लास के लिए, ऑटो कर लिए अपने, हम जाते तो ऑटो में ही है, बाई चांस आते भी ऑटो में है, अगर बस नहीं मिली लेट हो गए तो, बट जाते तो मोस्टली ऑटो से ही है। गाइस हमने ऑटो कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस। तो मैं ये कह रहा था, ये राज मंदिर हाइपर मार्केट है और द स्ट्रेटजी दे आर यूजिंग फॉर देयर सेल, फॉर देयर मार्केटिंग इज फैब, इट्स ऑन अनदर लेवल। मतलब इंस्टाग्राम पे मैं इनकी वीडियोस इतनी लाइक करता हूँ, प्लस मेरे फ्रेंड्स भी जिनको मैंने फॉलो कर रखा है, कि कोई कोई बैल किसी को धक्का मार रहा है तो वो यहाँ के गिर रहा है कि ये इस पर इतना ऑफ है, इतना इस पर ऑफ है। Like fabulous, the strategy of marketing of Raj Mandir is like fab. अब गाइस हमने सारा सामान ले लिया है, मैं घर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को क्या क्या सामान लिया मैंने, ठीक है। अभी फटाफट से ऑटो करते हैं और घर निकलते हैं हम लोग। हाँ गाइस हम लोग घर आ गए थे और अभी हम कर रहे हैं मम्मी के साथ पूजा, क्योंकि कल थी एकादशी, तो मम्मी का आज व्रत पूरा होएगा। आज जब तक वो चावल का भोग नहीं लगाएगी लड्डू गोपाल जी को, और खुद चावल नहीं खाएगी। गाइस हम लोग घर आ गए थे जैसे कि आप लोगों को पता है, और अभी हम खाना खाने बैठ गए हैं। आते ही ना काम में लगे थे, तो क्योंकि मम्मी को जोत लगानी थी, पूजा करनी थी, सीधा वीधा देना था, चावल खा के मम्मी का व्रत संपन्न होता है। तो मम्मी ने लंच में बनाया है कढ़ी चावल और साथ में है ये अनियन, और ये रही मेरी दही, इधर की साइड रखी है। बट कटोरी नहीं लाया कटोरी। तो गाइस अभी थोड़ी देर ना मैं सो गई थी, उठ गई हूँ, कोई क्या बस लेटी हुई थी, और अभी मैं बना रही हूँ अपने दादू के लिए चाय। मैंने चाय नहीं पीती हूँ, मुझे चाय की स्मेल ही बहुत गंदी लगती है, तो मैं कैसी बनी है मैं टेस्ट करके नहीं, मैं अपने दिल पे पत्थर रख के स्मेल करके पता करती हूँ कि चाय ठीक है कि नहीं, चीनी भी नहीं ठीक है। और लकीली भगवान ने मेरे पे ये शक्ति दी है कि मैं सूंघ के पता लगा लेती हूँ चीज़ों को कि हाँ भाई ये चीज़ सही बनी है, तो मैं चाय को भी सही मतलब सूंघ के पता लगा लेती हूँ कि सही बनी है। अभी बस चाय बना के मैं जाऊंगी अपना सर धोने, 2-3 दिन हो गए मेरे सर नहीं धोया, इतना ऑयल आ गया मेरे सर पे, इतना सारा स्किन भी इतनी ऑयली है, भी इतना ऑयल आ जाता है मेरे। तो गाइज अभी बज रहे हैं 7:00 और अभी मैं जा रही हूँ थोड़े सा सामान लेने, सामान मतलब समोसे वगैरह लेने जा रही हूँ, क्योंकि गाइज आज है मेरे बच्चों का बर्थडे, तो मैं राज मंदिर पे गई थी, तो बच्चों को हम फ्रूटी और समोसे वगैरह देंगे। रुक जा,
तसल्ली नहीं है तो क्या? खड़ा हो जाते एक दिन स्कूटी लेके। मैं राजमंदिर गई थी ना तो वहां से मैं फ्रूटी वगैरह ले गई थी, दो दो तीन तीन बॉटल फ्रूटी 2 लीटर की। हाँ तो और समोसे का ऑर्डर दे दिया था मैंने, तो अभी वो लेने जा रही हूँ मैं, तो चलते हैं और फिर क्या आते हैं। जल्दी आना। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं सामान लेके आने के लिए। गाइस पता है मैं इसको कह रही थी कि अंदर मार्केट में से ले ले, लेकिन ये माना नहीं, रोड पे से लेके आया। पता है गर्मी हो रही है इतनी, अभी भी इतनी गर्म गर्म हवा चल रही है, शाम के समय भी वो नहीं है राहत थोड़ी सी। क्या बोल, इतनी गर्म हवा चल रही है, मैं ये बोल रही हूँ अंदर से ले लेता। बाप रे चपाटा लग रहे गरम गरम हवा के। अरे क्या कर रहे हो, और तेज हवा लगेगी मुझे। तो मेरा क्या हाल है? तो तेरे को तो आइडिया दिया था मैंने कि अंदर से चल, झूठे। ये लड़का ना इतना बड़ा हो गया लेकिन इसमें अभी भी बचपना है। ये इस रास्ते पे से लेके आते, बल्कि वहाँ घुमा के रास्ता है, यहाँ से लेके आता है घुमा के बिल्कुल, क्योंकि ना इस रास्ते पे स्पीड ब्रेकर बड़े स्मूथ है, तो ये स्कूटी से वो करके उचालता है पागल सा। अभी तो बोलता हूँ झूले वाला। और ये कहते हैं यहाँ से ना जापान की इसको फीलिंग आती है यहाँ पे, क्योंकि जापान में ऐसी सीढ़ियाँ होती है ना। अभी जाएंगे ना तब दिखाएंगे। नहीं यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन अब क्यों नहीं जाएंगे? नहीं यहाँ से नहीं। मैंने इसका नाम रखा हुआ है झूले वाला रास्ता। हाँ झूले वाला रास्ता। गाइस अभी हम आए थे समोसे लेने, और ना यहाँ पर ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। मैंने इनको 6:30 बजे का ऑर्डर दिया था कि 6:30 बजे आऊँगी मैं, और इनको लगा मैं नहीं आऊँगी, मैं 7 बजे आई हूँ। मैंने निकाल दिए सारे समोसे। अरे मुझे लगा मैम आप आओगे नहीं। मैंने कहा भैया मैंने कभी आपको ऑर्डर ऐसे दिया और मैं ना आई हूँ, ऐसा कभी हुआ है? गुस्सा आ रहा है इस समय। अब इसके पास कम समोसे, मैं कम समोसे ले रही हूँ और आगे से कहीं और से लूँगी। और इसके पास पूरे समोसे का मसाला भी नहीं है। फिर मसाला हो तो जल्दी बना दे, बट मसाला है नहीं। आलू भी उबालने पड़ेंगे। आलू लेंगे दुकान वाले आ दे तो। भाई हमने ना समोसे वहाँ से पैक करा ली थी, आगे आई, मेरे पास कैश नहीं था। मैंने उन भैया को एक्स्ट्रा पेटीएम करके कैश ले लिया और दूसरी दुकान पे पहुँची समोसे लेने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली समोसे वहाँ पे भी ख़त्म थे। 10 मिनट लगे गए, 10-15 मिनट। तो हम एक दूसरी और दुकान पे जा रहे हैं। कौन सी? हाँ शायद से, हाँ इधर भी एक दुकान है, यहाँ देखते हैं। देखती हूँ सभी बन रहे हैं। देखो यहाँ पे मिल गए हमें समोसे, चाय की शॉप है, फटाफट से भी बस 5 मिनट में हो जाएगा, फिर बस हम निकलते घर के लिए। मम्मी ने सारी तैयारी कर रखी है वैसे तो घर में। अरे परेशान हो रहा है आज तो यहाँ बैठे बैठे। गाइस बहुत ही मिन्नतों के बाद हमें समोसे और मिल गए हैं। ओ सर सर इसके लग गए। अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि 7:30 हो गए, हम 7 बजे निकले थे, आधा घंटा हो गया मैं बाहर घूमते घूमते। घर आ गए और ना अभी हमने समोसा और फ्रूटी पहले पापा को खिलाया, उसके बाद हम अब ये लगा रहे हैं यहाँ पे सामान, फिर बच्चों को बुला के बांट देंगे उनको। जोत भी लगा लिया मम्मी ने, भोग भी लगा दिया मंदिर में, ये डोने बिछा लिए मैंने, ये उसको पहले तुम आओ, आओ इधर आओ, शिवराज तुम आओगे पहले, तुम बात तुम्हें बताए लो, पहले तुम लो। नहीं नहीं मैं पिटाई कर दूंगी। ये बंदा अजीब है गाइस। और वहाँ पे है कोई एक दो जो है वहाँ पे अच्छे होने वहाँ पे बच्चे दिखते नहीं है अब तो। कहाँ फेंकते हैं बता भाई, कहाँ फेंकते हैं? कहाँ बर्थडे है? राधिका वो छवि नहीं है? अच्छा ये रही, ये ले ये मम्मी को दे। छवि ये रुक देना, इसको पॉलिथीन दे दे कोई।
लाइए। तो गाइज आधी बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो गई है हमारी, आधे बच्चे आ गए थे उनको तो दे दिया, अभी और बच्चे मिल गए। वैसे बच्चे मिल नहीं रहे, वैसे गलियों में इतना चिल्ला चिल्लू करते रहते बच्चे। गाइस और बच्चे आ गए, रुको मैं लेके गाइस बच्चों को हमने बांट दिया। पता है बहुत सारे बच्चे आ गए थे, कुछ कुछ को तो समोसे भी नहीं मिले, फ्रूटी दे दी थी हमने अच्छी तरह उनको। अभी मैं बैठ गई हूँ एक समोसा और फ्रूटी लेके, नीलू बाहर दूध लेने गया और कुछ सामान लेने गया, वो आएगा तो खा लेगा, मुझे तो भूख लग रही थी। गाइस अभी हम आ गए अपनी सरोज माजी के पास, काफ़ी दिनों बाद मैं आपको माजी से मिलाऊंगी, चलते हैं माजी से मिलते हैं। गाइस देखो बारिश का सा मौसम लग रहा है, वो क्लिटर है, ये देखो ये सारे वाइट वाइट जो दिख रहा है ना ये बादल है, बारिश आएगी मेरे ख्याल में। अरे गेट नहीं खोल रहा है, हमें बंद कर दिए। खुलवाओ ना जल्दी, मारूंगी पहले इसको मारूंगी। गाइस अभी मैं आ गई हूँ घर पर, मेरे को ना इतनी थकान हो रही है, मुझे इतनी तेज नींद आ रही है, खाना भी नहीं खाया अभी तो हमने, 11 बजने वाले ऑलमोस्ट, बजने ही वाले बस 5-10 मिनट में। आज तो दोपहर में मैं सोई, मतलब सोई क्या, लेट ही थी। अब मैं लाई हूँ पीने के लिए, अभी लाई हूँ बस, सोई क्या बस लेटी हुई थी, वो तो सोने का तो एक नाम था, एक बेचैनी सी इरिटेशन सी लगी रहती है मेरे को पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा था पढ़ूंगी मैं, देखती हूँ खाना खा के अगर मेरे से पढ़ा जाएगा, वैसे खाना खा के नहीं पढ़ा जाता पता नहीं क्यों, पढ़ा जाएगा तो पढ़ लूंगी, नहीं तो कल छुट्टी है मेरी क्लास की, कल पढ़ूंगी। खाना लिया है मम्मी ने, कढ़ी चावल बनाए थे ना दिन में, काफ़ी सारे कढ़ी चावल रख रहे, मैंने कहा पहले तो हम वही खा लेंगे। मम्मी ने एक दो रोटी बना ली है, मिर्ची वगैरह बहुत अच्छा रखे हैं, मेरे पास आम का, गाजर का, नींबू का मिक्स और मिर्ची का तो दो तीन अचार, एक घर में छुगी हुई, एक बाहर की छुगी हुई, एक नानी ने भेजी थी वो है, बहुत सारे अचार रखे। और इतने हम माजी के घर से आए, माजी से मिल के नीलू ने कढ़ी चावल गर्म भी कर रखे थे। बाबू बंदर हो गया ये, मेरे को भूख लगी थी इसलिए, अपने स्वार्थ देखा इसने, मैंने अपना स्वार्थ नहीं देखा, तुम्हारा भी देखा कि तुम्हें भी भूख लग रही है तो दाते हम खा लेंगे। टेढ़ा मुंह करके क्यों बोल रहा है ऐसे, बोल रहा है क्योंकि मुझे पता था तुम ऐसे करके बोल रहा है, टेढ़ा है, दिखा दो तेरे को, दिखा दो। गाइज नीलू इस पोजीशन में नहीं है कि मैं उसको दिखा सकूं क्योंकि उसने गंजी पहनी हुई है। गाइज अभी खाना खाने के बाद मैं दर्द पे पड़ जाऊंगा, सो गया है वो, उठा हुआ है, अलार्म की आवाज आ रही है। हाँ उससे बोलो ना घर में आया हुआ है ना, दीदी जाएगी 7 या 8 को है उनकी फ्लाइट, मेरे को याद नहीं पक्का, उससे बोलो ना, तो बोलने की कोशिश करता है बहुत तवज्जो करता है अब। तो गाइज ये सर्व कर दिया मम्मी ने, अब खाते हैं कढ़ी चावल, मैं तो थोड़े से ही लिए, एक दो समोसे भी रखे वो खा लूंगी। लड्डू गोपाल जी को सुला रही हूँ, पहले सुलाने से पहले ना मैं पैर थोड़े से दबाते हैं हम लोग, मैं पैर दबा रही हूँ लड्डू गोपाल जी के, मम्मी डरती बहुत है यार, छोटी छोटी बातों पर डर जाती है बहुत जल्दी, मैं डरती नहीं हूँ डराती हूँ। तो गाइस अब कान जी को सुला के फिर मैं भी सोऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ, मैं पढ़ूंगी अब, मैं कल ही पढ़ूंगी सुबह उठ के जल्दी। तो गाइस कुछ प्रॉब्लम की वजह से आज का व्लॉग मेरा, मतलब काफी दिनों बाद मैं आज व्लॉग कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं, जो लोग नए हैं वो बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो जरूर करना, दोनों चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज फाल्गुनी ठाकुर, बाय बाय।